हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं एक दिन छुट्टी का टाइम मिला था और आज मैं निकल गई थी अपने बालों का कलर करवाने के लिए। मैंने डिसाइड कर लिया था कि वो बोल रहे थे कि 50% आप बाकी है, आप कुछ भी करवा सकते हो। जैसे 10,000 का बोटॉक्स हुआ तो 5,000 मेरे पास है, आप कुछ भी करवा सकते हो 1 महीने के अंदर। तो मैं आज चली गई थी बसंत कुंज में, मैंने करवाया था। बहुत लोग का कमेंट आया था कहाँ करवाए हो, तो बसंत कुंज में करवाया था। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी को थोड़ा सा कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी पीने के बाद मैं चल दी थी सलोन की तरफ, गीतांजलि में करवा रही थी मैं। और मुझे नहीं पता यार कि वो फरवरी में ऐसा है कि नहीं है, लेकिन जनवरी 4-5 जनवरी तक मैंने करवाया था। और तब ये था, 7 तारीख को शायद करवाया था, तब ये ऑफ़र था। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था बहुत सारे फ़ोटो का इंस्टाग्राम से। मैंने कहा इस कलर में करना आप कलर, तो उन्होंने बोला ठीक है। और मैंने बोला आपको जो सही लगे कि हाँ ये कलर अच्छा लगे तो करना। तो यहाँ से उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर दिया था बालों को ना, पहले वॉश किया और उसके बाद उसमें ब्लैक बालों पे कलर कहाँ पता चलेगा। तो पहले पता नहीं कौन सा कलर किए, सब किए जा रहे थे। मैं बस सच बताऊँ तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और बोटॉक्स करवाओ या कुछ भी यार, बहुत ही ज़्यादा ना देर तक बैठा रहना होता है, 3 से 4 घंटे। सच बताओ ये गर्मी में करवाने लायक होता है? तो यहाँ फाइनली उन्होंने बालों का कलर कर दिया और इस तरीके से मेरा लुक आ रहा था। और मैंने बोला थोड़ा कटिंग कर देना आप, तो फाइनली आपको लुक दिखाऊंगी मैं कि बालों का एक्चुअली मैं कौन सा कलर किया है। और ग्लोबल कलर है ये, और इस तरीके से देखिए मेरे चेहरे पे इस तरीके से हुआ था। और मुझे ना सच बताऊं तो मुझे जब हुआ तो मुझे लगा कि यार मेरे ब्लैक बाल ना ज़्यादा अच्छे लगते थे मुझ पर। फिर मैं ऐसे ऐसे देख रही थी, मैंने कहा चलो देखते हैं। और इस तरीके से मैंने एक फ़ोटो लिया था, आप देख सकते हो। फिर मेरे बालों का कलर आप ये देख सकते हो, इस तरीके से ये है बालों का कलर। और उसके बाद मैं फटाफट जिम आ गई थी क्योंकि मुझे जिम नहीं छोड़ना होता एक भी दिन यार। मुझे होता कि नहीं जिम नहीं छोड़ूंगी, खुद ही महीने में ना 3-4 दिन तो छूट ही जाता है वैसे भी, जो पीरियड वीरियड का प्रॉब्लम रहता है तो उसकी वजह से। तो मुझे ये रहता है कि नहीं मैं डेली जिम करूँगी तभी बॉडी थोड़ी ठीक रहेगी। तो यहाँ से जिम आ गई थी और जिम आने के बाद फिर मुझे ना मम्मी से मैंने बोला कैसा लग रहा है, मम्मी बोल रही थी मॉर्निंग कैसा आप सब, आई होप आप सब अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। आज बहुत दिन बाद ऐसे ब्लॉग शूट कर रही हूँ, इतना कोहरा जैसे लग रहा है रात में ऑफिस जा रही हूँ। दिखाऊँ एक मिनट, कोहरा ही कोहरा। टाइम हो रहा है 7:30। बस का इंतजार कर आ गई हूँ घर से, और घर से कह रही हूँ ऑफिस से आ गई हूँ। आने के बाद मेरे को लगती है भूख, बहुत दिन से मेरे चिप्स खत्म हो गए थे तो मैं एक ही कॉर्न वाला चिप्स खाती हूँ। तो पहले तो मैंने मटर ले लिया, यहाँ पे 30 रुपए किलो मटर मिला था। मम्मी कह रही 2 किलो क्यों नहीं ले लिया, मैंने कहा 1 किलो ले लेंगे आते समय, फिर यार बॉर्डर पड़ता है ले लेंगे क्या करना। और फिर वहां से और आते समय ये तो मैंने मम्मी तू देखा हुआ यहाँ से, हाँ ये मैंने दूध का पैकेट आते समय। तो यहाँ पे आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही थी तो मैंने कहा वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, तो मैंने स्विगी से मंगा लिया था 2 पैकेट दूध, और ये मिल्क केक मंगाया था, और एक लड्डू का मंगाया था जो कि मदर डेयरी का था। और मिल्क केक भी मदर डेयरी का खाओ तो ताज़ा ताज़ा लगता है, अच्छा लगता है, और लड्डू भी। और यहाँ पे मैंने 2 पनीर का वो मंगा लिया था स्लाइस, क्योंकि इधर ना मदर डेयरी का नहीं है, मतलब स्पेशली कोई मदर डेयरी का एक शॉप होता है ना इधर नहीं है। और ये वाला चिप्स या तो मॉल में मिलता है या तो मदर डेयरी, आप स्विगी से मंगा सकते हो। तो मैंने इस तरीके से ना मंगा लिया था, और जब मैं मॉल जाती हूँ तो लेके आती हूँ, तो इस बार मैं भूल गई लाना और बहुत दिन से ख़त्म हो रखा था। तो कभी कभी मन करता है ना, जैसे ऑफिस से आने के बाद तो मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। मम्मी कहती हैं जिम करने का क्या फ़ायदा, मैंने कहा कि कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है मेरे शरीर में कुछ नहीं लगता, लगता भी है तो जिम करके निकाल दो, मोटे तगड़े हो जाओ, बाकी जिम करते रहो, अच्छा खासा शरीर बनता है गोलू मोलू सा। तो यहाँ पे मम्मी ना मम्मी से मैं बोल रही थी मम्मी बाल कैसा लग रहा है, काला कलर कर लूँ क्या, लेकिन मेरी मम्मी ही मेरे बाल को बोल रही हैं कल्याणी बहुत अच्छा लग रहा है, स्टैंडर्ड लग रही हो तुम। अब मेरी दीदी लोग हैं ना वो भी ऐसे ही बाल करवाई हैं,
तो बोले थे तुम उनकी तरह लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं सच बताऊँ तो जैसे ही ना ऑफिस में गई तो बहुत लोगों ने बोला बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतना सब लोगों ने बोला ना। फिर मैंने कहा जाने दो यार, मतलब पैसे लगे हैं तो मैंने कहा छोड़ो, अब मैं जो है वो है। और सच बताऊँ लेकिन धुलने के बाद जैसे जैसे धुल रही हो ना, बालों का कलर बहुत अच्छा होता जा रहा है। जैसे ऊपर की साइड में थोड़ा डार्क होता जा रहा है और ब्राउन टाइप में थोड़ा नीचे के ऐसे बाल होते जा रहे हैं, जैसे कान की तरफ से ना, जैसे आप देख रहे हो इस वाले में, बहुत ही अच्छा मतलब कलर होता जा रहा है जैसे जैसे धुलते जाओ। तो यहाँ पे मैं लड्डू ट्राई कर रही थी फर्स्ट टाइम, कैसा होता है लड्डू तो मुझे कोई खास नहीं लगा, मिल्के एक अच्छा लगा लड्डू। सच बताऊँ तो अपने गाँव का ही लड्डू जो बना होता है ना यार, वो अच्छा लगता है, मुगदर का लड्डू। तो इस टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब पिछली बार, अब जब गांव जाऊंगी ना तो मिठाई लेके आऊंगी साथ में अपने। कभी कभी यार पता नहीं, पहले मिठाई खाने का मन नहीं करता था, अब कभी कभी ना मन करता है मीठा खाने का। तो इस तरीके से मिल केक मैं मंगा लेती हूँ, तो मैं खा रही थी, मम्मी को भी दिया था मैंने, मैंने कहा ये खाओ। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी। मम्मी कह रही हैं कि तुम ब्लॉग डाले कितना दिन हो गया, आप लोगों के कमेंट भी आते होंगे ऐसे वैसे। मैंने कहा मम्मी टाइम नहीं है, देख रही हो, वो भी देखती हैं तो बोलती हैं कि टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास, और डेली का क्या वही दिखाना यार कि ऑफिस जाओ ये करो वो करो, मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर या तो फिर मैं जॉब छोड़ दूँ और जिम छोड़ दूँ, सारी चीज़ें छोड़ के गाँव चली जाऊँ, तब मैं व्लॉग अच्छे से बना सकती हूँ। क्या कहते हो आप क्या लोग? होता है, सब जॉब करने जाते हैं, मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, चाट खाते हैं मैं कुछ भी नहीं खा पाती। तो मुझे लगता है कि जो मैं खा सकती हूँ वो घर पे मंगा के आराम से खा सकती हूँ, बाकी मुझे पता है जो चीज़ें मैं नहीं खा सकती तो क्या कर सकते हैं। एक कुरकुरे ये है जो मैं खाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कुरकुरे नहीं कॉर्न है, और ये मिल्क एक अच्छा लगता है मुझे, अमूल का, और लड्डू बेसन का अच्छा लगता है, तो यही मैंने मंगाया। और बाकी पनीर मंगाया मैंने इसलिए क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और प्लस टिफ़िन के लिए भी। और यार पता है मतलब बाहर जाने का मन नहीं करता, मतलब यार थकान हो जाती है मेरे को, ऑफिस से आओ जिम जाओ फिर उसके बाद सारी चीज़ें दौड़ के दूध लाओ ये वो, बहुत काम पड़ जाता है यार, इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। सब पूछेंगे कौन वाला कौन खाती हूँ, ये है ना प्योर वेज इसके हैं। और ये मसाला कॉर्न है, तो ये वाला चिप्स है मसाला कॉर्न, जो स्पाइसी पसंद करते हैं वो रेड ले सकते हैं, बाकी ये नॉर्मल है, येलो वाला भी नॉर्मल है। और एक ऑनियन का आता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा तीखा सही लगता है। तो यही है, जब मैं घर पे आती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ तब मेरे को ये चिप्स खाने का मन करता है, इसीलिए मैं मॉल से जाती हूँ लेके आती हूँ। अभी तो मैं यहाँ पे नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलता, मत तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कुछ देर बाद, देखते हैं मम्मी क्या बनाएंगे आज। क्या बनी मम्मी आज? पनीर बना था। चाय बनाया होगा तू पीला तब रहा था चाय, मैं इतना शौकीन ना चाय का। दही वाला हाँ, पहले गरम पानी में भिगोए के होके नरम कर जाला कड़ा हा। नहीं ऊ जो हो तेरी पानी जाके पीसे हुए फेटे हुए थे ना, अब दूसरी दही बनाई तो पकौड़ा भी नहीं बनाई फेट के, तो कड़ा बहुत लगा था तो छोड़ दे, तो आधा खाया था और छोड़ दे। बाद में थोड़ा सा गल पानी गरम पानी में जीजी डालत रहनी तो फूल जाता रहला, तो फिर ओकर बाद अच्छा तो हम देखत रहे ना, अब जाए नहीं बाद में कुल ट्राई हमरा ही पे करा लो। पीस रहे डलिया तो नहीं, आप पिसा सील लो रहा था अच्छा से। तो चलो आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद, अभी तो आई हूँ थोड़ा सा सामान लेके रेस्ट करती हूँ यार, अभी आज जिम नहीं जाना जा सकती, मतलब प्रॉब्लम समझो 3-4 दिन छुट्टी है। चलो आपको मिलती हूँ कुछ देर।